मुझे अभी भी याद है, इनिशियली मैं बताने में बहुत झिझक रहा था, बिकॉज ऐसी चीज़ घर में बताना कोई नहीं चाहता। तो मैंने सबसे पहले अपनी एल्डर डॉटर जो कि क्लास 11th में है, एरन, उसको बताया। मैंने कहा एरन मैं माउंट एवरेस्ट की तैयारी करता हूँ, तो उसको विश्वास नहीं हुआ, कि थी पापा मजाक मत करो। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट, जब मेरे को पता चला कि हाँ मेहनत अगर आप करेंगे बिल्कुल तो आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। अगर आप एवरेस्ट जा रहे हैं तो आपको बेस्ट गियर चाहिए जो वर्ल्ड में अवेलेबल है, तो एकदम बेस्ट जो होते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल आई हैड, टू द एक्सटेंट कि सबसे वीक लिंक जो था मैं ही था टीम में। कहते सर हम ऊपर जाके नीचे वापस आ गए, हमें पता ही नहीं चला कब एवरेस्ट है। दोस्तों, मेरा नाम शाजन है। सफलता टॉक्स के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज बहुत ही रोमांचक दिन है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जिनका परिचय करने का अवसर और या सौभाग्य आप कह सकते हो मुझे मिला है। हमारे पास लेफ्टिनेंट कर्नल रोमिल बर्थवाल साहब है। इनका इन्होंने जो भी मतलब जो भी किया है ये बहुत ही गर्व की बात है, और ये ज़्यादातर लोग सपने में भी सोच नहीं सकते हैं। माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचा है समिट पे 2019 में, एक टीम को लीड किया है। उसके अलावा 26 साल आर्मी में थे, सो इज एन एलुमनस ऑफ NDA एंड देन इज डन इज MTech फ्रॉम IIT करकपुर। उसके अलावा ला अल्ट्रा 111 18,000 फीट अबव सी लेवल, -40% लेस ऑक्सीजन, वहाँ पे जो टेम्परेचर है -7 डिग्री से जाके कंट्रास्टिंग +30 भी हो जाता है, वहाँ पे उन्होंने 111 पोडियम फिनिश किया नॉन लद्दाखी कैटेगरी में। जो लोग 20 घंटे का कट ऑफ टाइम है उन्होंने मात्र 15 घंटे में कंप्लीट किया। इसके अलावा पैरा ट्रूपर भी है, स्टेडियम रन जो 24 घंटा स्टेडियम रन है उसमें रनर अप थे, 185 किलोमीटर दौड़ा है। हम तो सोच भी नहीं सकते कि ये सब कैसे करते हो। तो बहुत ही मतलब स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बड़ा प्रेरणा है, स्टूडेंट्स के लिए क्यों सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा है। तो रोमिल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका सफलता टॉक्स में। और हमारे जो दर्शक हैं, खासकर नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि ज़िंदगी में अपना झंडा गाड़ना चाहता है, जो अपना लक्ष्य पाना चाहता है, उनके लिए आप बहुत बड़ा प्रेरणा है। और आपसे मिल के या आपके बातें सुन के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के दिन। तो मेरा सबसे पहला सवाल है रोमिल साहब की, माउंट एवरेस्ट तो मतलब हम सोचते हैं कि माउंट एवरेस्ट फिर हम सोचना बंद कर देते हैं क्योंकि ये नामुमकिन है, लेकिन आप सर आपको आपका ये दिमाग में कैसे आया कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है? क्यों आया, कैसे आया, फिर आपने तैयारी कैसे किया? धन्यवाद शजन, पहले इतना डिटेल आपका इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे को सफलता टॉक्स में इन्वाइट किया, मुझे अपने जर्नी शेयर करने का मौका दिया। आपने स्टार्टिंग माउंट एवरेस्ट से किया है तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे। तो जब मैं माउंट एवरेस्ट के लिए मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला, मुझे अभी भी याद है, मैं ऑफिस में बैठा था, ऑफिस में एक चिट्ठी आया कि माउंट एवरेस्ट के लिए आर्मी का टीम जाना है, और आर्मी की टीम को एक टीम सिलेक्ट करने के लिए उन्होंने वॉलंटियर्स मांगे। उस समय तक मेरा माउंटेनिंग का ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं, बिकॉज मेरा एक एक्सपीरियंस था 1998 का, जहाँ पे हम उत्तराखंड में एक पहाड़ चढ़ने जा रहे थे माउंट केदारडूम, और समिट कैंप पे जब थे एक एवलांच आया और एक हमारे साथी की मृत्यु हो गई। बहुत बुरा लगा, बिकॉज 21 साल का था मैं उस समय, और ऐसा इंसिडेंट हुआ तो बहुत ज़्यादा झटका लगा जिसे बोलते हैं। 1998 से 2018 तक कोई माउंटेनियरिंग नहीं था, बाकी चीज़ें चल रही थी। तो 2018 में जब वो चिट्ठी आई तो मेरे को ये लगा कि ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहिए, बट एक्सपीरियंस था नहीं, तो मैंने कहा ठीक है एक्सपीरियंस आ जाएगा पहले, अगर मैं अप्लाई नहीं करता उसके लिए तो एज सच मैं जा नहीं रहा। जब मैं एवरेस्ट के लिए अप्लाई नहीं करूँगा तो कैसे जाऊँ? तो इसलिए मैंने वॉलंटियर के लिए नाम दिया। किस्मत अच्छी थी, मेरे जो सुपीरियर थे, सीनियर्स थे, उनको मुझ पर भरोसा था, मेरे को खुद पर भरोसा था। तो जब मेरे को बुलाया गया तो मैंने मुझसे पूछा गया कि आप एवरेस्ट की टीम लीड करेंगे, तो मेरा एक ही जवाब था कि
एवरेस्ट के लिए कोई भी फौजी जो एडवेंचर में इंटरेस्टेड है कभी मना नहीं करेगा। तो अगर मेरे को मौका मिला तो मैं जी जान से करूंगा मेहनत, और वही हमने किया। एक साल दिन रात सुबह शाम कुछ होश नहीं था, सियाचिन में और दुनिया की सबसे मुश्किल जगह में जाके हमने ट्रेनिंग किया, और फिर रिजल्ट हमारे सामने है कि उस साल का सबसे बेहतरीन एक्सपीडिशन रहा जहाँ 100% समिट सक्सेस हुआ। और भगवान का शुक्र है, और काफ़ी ज़्यादा हमारी टीम की मेहनत थी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ यू नो एवरीवन की हम सक्सेस हो पाए। तो वही है कि मेहनत अगर आप करेंगे, एक बार मन में ठान लेंगे कि आपने करना है तो आप भी जानते हैं कि सब कुछ पॉसिबल है। देखो रोमिल साहब, हमने तो पढ़ा है और कहीं कहीं सुना भी है कि माउंट एवरेस्ट का तो चढ़ाई तो कठिन है ही, उसमें तो कोई दोराय नहीं है, लेकिन जब आप वापस उतरते हैं तो ज़्यादा रिस्की है और सब जो है बॉडीज आपको देखने को मिलता है, क्योंकि काफ़ी इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आप समिट तक पहुँचने का बाद लापरवाही कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट हो सकता है, क्योंकि वापसी भी उतना ही मुश्किल है। तो आप जब चल रहे थे शिखर की ओर और जब पास समीप पहुंच रहे थे तो आपको कैसा महसूस हुआ कि अभी देखो 10 मीटर में पहुंच जाएंगे, कैसा महसूस हुआ? मेरा पहला सवाल वो है, और दूसरा सवाल ये है कि जब वापस उतरने का टाइम, क्या आप उतना ही सतर्क थे जितना आप चढ़ने के टाइम पे थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो मतलब बहुत मुश्किल से समझने वाली चीज़ है। तो सबसे पहले तो माउंट एवरेस्ट का जब बात आती है, मेरे को याद है मैं जब क्लाइम करने जा रहा था, सबसे मैंने जब पहले जब माउंट एवरेस्ट को देखा, हम नामचे बाजार एक जगह आती है रास्ते में, वहां से देखा उसको, देख के मेरे को ये लग रहा था कि मैं क्या सोच के आया था यहाँ पे, बिकॉज इतना बड़ा लगता है वो, पता नहीं चलता कहाँ आसमान शुरू हुआ कहाँ माउंट एवरेस्ट खत्म हुआ। तो वो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था अपने आप को भरोसा देना कि हाँ कि मैं सचमुच चढ़ने आया हूँ। एंड एज ए टीम लीडर होता यह है कि घबराना तो होता है, आपको घबराएंगे बिकॉज ऐसी सिचुएशन थी, लेकिन आप शो नहीं कर सकते अपने टीम को, बिकॉज जहां टीम को यह आया कि हमारे कमांडर को शक पड़ गया 1% भी, तो फिर पूरी टीम का मोराल भरोसा आपसे उड़ जाता है। तो दिखाने की चीज थी नहीं, तो मैंने अपने तक रखा। बट मेरे को एक चीज दिमाग में आई जो मैं हर समय बहुत फॉलो करता हूँ कि आपने एवरेस्ट को नहीं देखना, आपने अगले स्टेप के बारे में सोचना है। अगर आप सोचेंगे मैंने चांद पे जाना है तो आप सोच से ही घबरा जाएंगे, लेकिन आप अगर ये सोचेंगे कि मैंने एक कदम लेना है तो आप पक्का कर पाएंगे। तो वो चीज़ थी मेरे दिमाग में कि करना है। और जैसे आपने पूछा कि चढ़ाई के टाइम पे और उतराई के टाइम पे क्या अंतर था, तो मैं बताना चाहूँगा, शाम को 7 बजे हमने चढ़ाई चढ़ना शुरू किया, एंड वो ऐसा टाइम रहता है कि सब कुछ आपके अगेंस्ट होता है। मौसम आपके अगेंस्ट है, तेज हवाएं चलती है, माउंट एवरेस्ट के समिट पे या कैंप 4 जो डेथ जोन है वहां से अगर आप जाएंगे, बहुत ज़्यादा एवरीथिंग इज अगेंस्ट यू, जैसे हम बोलते हैं मौसम आपके अगेंस्ट है। आपने खाया पिया नहीं अच्छी तरह, बिकॉज उस लेवल पे बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती खाना, बिकॉज जो वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन चाहिए डाइजेशन के लिए, वो वाइटल ऑर्गन्स को मेंटेन करने में लग जाती है। हेडेक आपको बहुत ज्यादा होता है बिकॉज ऑक्सीजन कम है, आपको चलते जाना है, एग्जॉस्ट आपकी बॉडी हो रही है, नींद नहीं आई पिछले 2 दिनों से बिकॉज आप कॉन्टिन्यूसली क्लाइंब करने पर लगे। तो ये सब चीजें जब आपके अगेंस्ट चल रही है, उसके बाद भी आपको अपने आप को मोटिवेट करना है कि जो आपका पर्पज है उसको अचीव करना है। जैसे हम बताते हैं कॉज, अगर आपका कॉज अगर स्ट्रांग है, हमारा कॉज था कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए इंडियन आर्मी कंटिंजेंट, और भारतीय तिरंगा हमने फहराना है समिट पे, तो वो तभी हो पाएगा जब आप बिल्कुल अपना 110% उसमें देखे चलेंगे। करेक्ट। तो वही मोटिवेशन से हम अपने आप को भरोसा दे रहे थे कि नहीं, यही मौका है जिसके लिए आप इतने सालों से तैयार कर रहे थे, और आप एक कदम लेते हैं फिर दूसरा लेते हैं, धीरे 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 चढ़ते रहते हैं। और माउंटेन्स में एक चीज बहुत फेमस है जिसे बोलते हैं कि ऊपर जाना जो है दैट इज नॉट मैंडेटरी, दैट इज ऑप्शनल, बट नीचे आना इज मैंडेटरी, है ना? यानी कि आप ऊपर चले गए काम खत्म हो गया, दैट इज जस्ट हाफ ऑफ द जर्नी, नॉट इवन हाफ, ठीक है? तो बहुत जरूरी है कि नीचे आपने सही सलामत वापस आना, दैट इज मैंडेटरी। तो वो हमारा बेसिक प्रिंसिपल था जो सबको क्लियर था। जब समिट पे पहुंचे तो सबका बहुत मन था कि बहुत टाइम बिताया वहां पे, फोटो खींचे, बिकॉज वो रहता है इतना बड़ी अचीवमेंट रहती है। बट एज ए टीम लीडर मेरा काम यह था कि सबको नीचे वापस लाना है, तभी जाके समिट जो है सक्सेसफुल माना जाएगा। तो इसलिए हमने वही किया, समिट पे गए, 5 मिनट के अंदर हमने पूरी टीम को तैयार किया वापस चलने के लिए, फटाफट नीचे आने लगे। तो बहुत मुश्किल हो बिकॉज ऊपर चढ़ने में इतनी एनर्जी निकल जाती है कि कुछ बचता नहीं है वापस आने के लिए, मोटिवेशन इतना रहता नहीं, बिकॉज आपको ये रहता है ऊपर चढ़ना है, समिट पे जाना है, समिट पे जाना है,
एक बार समिट पे फोटो खींच गई तो आपको लगता है कि काम खत्म हो गया, नॉट रियलाइजिंग कि नीचे आना है, और नीचे आने वाली जर्नी जो है 24 घंटे से ज्यादा हो जाती है, बिकॉज आपको कैंप 4 ना आके कैंप 4, कैंप 3 और कैंप 2 में आना पड़ता है, तो इसलिए बहुत लंबा दिन हो जाता है एंड रात हो जाती है। तो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपना फोकस रखें और एक वेल ऑयल्ड मशीन जिसे हम बोलते हैं, वैसे अगर आपकी ड्रिल्स अच्छी हैं तो आप अचीव कर पाएंगे जिसके लिए आप स्टार्ट किया। तो एक तरफ से ये एक रिस्की एडवेंचर हो गया, मतलब थोड़ा सा पागलपन, जज्बा, जुनून, ये सब कूट कूट के होना चाहिए बॉडी में। बिल्कुल। और जब आपने पहली बार आप फैमिली को बोला, परिवार को बोला, तो उनका क्या प्रतिक्रिया था? मुझे अभी भी याद है, इनिशियली मैं बताने में बहुत झिझक रहा था, बिकॉज ऐसी चीज घर में बताना कोई नहीं चाहता, सबको अच्छा लगता है कि कर ले, लेकिन वो प्रोसेस जो है वो, बिकॉज उसके लिए एक साल का ट्रेनिंग, इतनी टफ टाइम्स में, और आपकी इतनी अच्छी जिंदगी चल रही है फौज में, आप क्यों ऐसी चीज करना चाहिए, क्योंकि इसका बेनिफिट ऐसे कुछ नहीं है, इट्स सिर्फ पर्सनल सेटिस्फेक्शन एंड योर मोटिवेशन। तो मैंने सबसे पहले अपनी एल्डर डॉटर जो कि क्लास 11th में है, एरन, उसको बताया। मैंने कहा एरन मैं माउंट एवरेस्ट की तैयारी करता हूँ, तो उसको विश्वास नहीं हुआ, कहती पापा मजाक मत करो। तो मैंने कहा नहीं एक्चुअली, फिर मैं जब सियाचिन में ट्रेनिंग कर रहा था तब मेरे पड़ोसियों से पता चला घर वालों को कि ऐसा हो गया, बहुत बुरा लगा उन्हें, बट फौज में जैसे रहता है कि अगर आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो या तो आप लेते नहीं हो, लेकिन अगर आप लेते हो तो फिर आपको अपना सब कुछ करना है, देना पड़ता है। तो वही चीज़ थी। फिर एक बार जब उनको पता चल गया कि ये एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बहुत ज्यादा सपोर्ट था, बिकॉज विदाउट सपोर्ट नहीं, ऐसी चीजें इम्पॉसिबल है। तो आप तो मेरे ख्याल से 45 डेज यू आर आउट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब आप कॉन्टैक्ट संपर्क में नहीं थे परिवार के साथ। नहीं, बेस कैंप पे रहते हैं, मतलब ये है कि बीच बीच में जैसे अगर आप जा रहे हैं क्लाइम करने फिर वापस आते हैं एक्लिमेटाइजेशन में, तो आप बीच में कांटेक्ट में रहते हैं, प्लस मेरे टीम मेंबर्स जो थे घर से कांटेक्ट में थे, तो ऐसा नहीं था कि मतलब बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं थे, बट अपडेट्स मिल रहे थे। देखो आर्मी में तो एक बात है कि अनुशासन का जो बुनियाद है, मतलब वो उसका जो सीड है, मतलब बीज जो है वो आर्मी में बोया जाता है, इसमें तो सबको पता है। आपको सबसे पहले आर्मी में ज्वाइन करने का जो, मतलब आपका दिमाग में वो जो बीज कब बोया आपने, मतलब इट वाज इम्पल्सिव, अचानक आपको लगा कि कुछ देख के टीवी में कोई मिलिट्री आर्मी देख के लगा कि नहीं मुझे भी जाना है, कि पहले से आपके अंदर एक भूत सवार था, नहीं मुझे करना है आर्मी में ही करना है, जाना है? ओके, गुड। सो हुआ क्या था, मैं जब क्लास 5th में था तब मैंने टीवी में एक डॉक्यूमेंट्री आ रही थी कभी सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में एंट्री के लिए, तो मैंने अपने घर वालों को बोला, बिकॉज 6th क्लास से एंट्री होती है इन स्कूल्स में, तो मैंने घर वालों को बोला, घर वालों ने सीरियसली नहीं लिया और वो जो था दबा रह गया कहीं पे। 12th के बाद मैंने सच बताऊं तो सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया, IIT हो गया, REC हो गए, जितने हो गए सब जगह अप्लाई किया, कहीं मेरा नहीं निकला, तो मैं बहुत झटका लगा एक जिसे बोलते हैं। फिर मैंने NDA के लिए अप्लाई किया, NDA के लिए जब अप्लाई किया तो रिटर्न हुआ, तो मैंने कहा ठीक है, वाराणसी मेरा SSB सेंटर था, तो घर वालों ने बोला कि क्या जाना है, रहने दो, इकलौता लड़का था मैं तो पेरेंट्स को रहते ही हैं, तो फिर मैं गया, तभी भी मैंने कहा अच्छा घूम के आ जाएंगे टाइप, घर वालों को भी ये था कि ठीक है 45 kg का लड़का है छोटा सा क्या करेगा। इनफैक्ट जब मैं एंट्रेंस रिटर्न भी दे रहा था तो मेरे को बहुत जो इन्विजिलेटर थे उसने बोला कहता बेटा किस लिए आए हो, मैंने सर रिटर्न देने आया हूँ, जबकि उसे पता था कि NDA का एंट्रेंस है तो इसीलिए आए। तो उन्होंने एज अ मजाक लिया कि तुम क्या करोगे वहाँ जाके, वहाँ तो 6 feet के लोग होते हैं, बड़ी बड़ी पूंछों वाले, तुम तो बच्चे ही होगे। बट मेरे दिल में था, मैंने कहा कि बाहर के एक्सटर्नल सोर्सेज से ज़्यादा सोचना नहीं है, जो दिल में आया वो डिसाइड किया है तो करना है। तो SSB में गया, SSB मेरा बहुत अच्छा गया, सिलेक्शन हो गया। फिर एक बार जब हो गया तो घर वालों ने भी सपोर्ट किया कि ठीक है जब इसका हो गया तो फौज ने कुछ देखा होगा इसके अंदर जिसकी वजह से इसका सिलेक्शन हुआ, बिकॉज SSB में सिलेक्शन होना काफी डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए फिर मौका जब मिला तो मैंने फिर भरपूर उसका फायदा उठाया। करेक्ट, फौज में। तो आप देखो काफी सारे हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं वो नौजवान हैं, वो बेसिकली जो स्टूडेंट्स है, जो यूथ है, वो छोटे शहरों से है, जो आपको देख रहे, आपको समझ रहे, सुन रहे, और इनके इनके इरादा पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इरादा पक्का है, आंखों में चमक है और सपना है कि मुझे भी कुछ करके दिखाना है, परिवार का नाम जो है रोशन करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। और आपकी बातें सुन के काफ़ी प्रेरित भी हो रहा है, मैं समझ सक रहा हूँ, मेरे अंदर वो इंस्टिंक्टली बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई ऐसा कोई चीज़ है जिससे वो लक्ष्य प्राप्त करने से वो जूझ रहा है, मतलब वंचित हो रहा है, कि
और मन में वो आशंका भी आ रहा है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन मन और जो दिमाग का कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, मन बोल रहा है मत करो, दिल बोल रहा है करो, तो ये जो ये बहुत स्वाभाविक है, कॉमन है. तो आप जो है एनडीए क्रैक किया है, प्लस हम भी एनडीए का कोर्स सिखाते हैं, काफ़ी सारे बच्चे आते हैं, उन्हें भी एनडीए पास करने का मतलब कठिन प्रयास करते रहते, निरंतर प्रयास करते रहते. तो आप उनको क्या बताना चाहते हैं, मतलब व्हाट इज योर टिप्स, क्या टिप देना चाहते हैं जिससे वो अपना मंजिल तक पहुंच सके? सो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एनडीए एक ऐसा एग्जाम है जहां पे आप चाहे किसी भी शहर से हैं, आप चाहे दिल्ली से हैं, चाहे किसी गांव से हैं, छोटे कस्बे से हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बैकग्राउंड क्या है. ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना कि कोई बड़ी सिटी वाला है या कोई और है जिसका इन्फ्लुएंस है उसका हो जाएगा और मेरा नहीं होगा. मैं हर समय ये कहता हूं, जितने भी लोग मुझसे बात करते हैं इस बारे में, सबसे पहले आपको खुद पे विश्वास करना है. अगर आपको खुद पे विश्वास है तभी दूसरे आप पे विश्वास करेंगे. ठीक है, अगर आप खुद ऐसी उत्सुकता दिखाएंगे कि आप इस चीज के लिए बने हैं और ये करना चाहते हैं, तो मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि कोई आपको नहीं रोक सकता, ये चीज ध्यान रखना. लेकिन आपको खुद में अगर डाउट रहेगा तो बाहर वाले कितनी भी मदद करें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता. तो सबसे पहले आपको खुद को कन्विंस करना है कि हाँ मैंने डिसाइड किया है, मैंने दृढ़ निश्चय किया है कि मैंने ये करना है, तो आप करके ही रहेंगे. ठीक है, नो सेकंड थॉट्स, नो ब्लैंकी, करना है तो करना है. ये चीज बहुत सिखाती है और ये चीज जो है आपके अंदर ड्रिल किया जाता है कि अगर आपको कोई टास्क मिला है तो या तो आप ऑब्स्टेकल देखेंगे या टास्क देखेंगे. तो कोशिश ये करें कि आप टास्क पे दें, ऑब्स्टेकल्स को भूल जाएं, और आप में अगर खुद में विश्वास है तो आप पक्का निकालते रहेंगे. तो आपने तो रोमिल साहब काफी साल आर्मी में मतलब गुजार लिया, अराउंड 26 इयर्स गुजारा है, तो आपको लाइफ में काफी सारे चुनौती आ चुका होगा. ठीक है, आपके हिसाब से सबसे टफ मतलब सबसे बड़ा चुनौती जो आपके सामने मंडरा रहा था, उसको आपने कैसे उसके ऊपर हावी पाया, थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, तो मैं एक चीज अपना टर्निंग पॉइंट बताना चाहूंगा लाइफ में. जब मैं एनडीए गया तो फिजिकली मेरी काफी हालत खराब थी, ना अच्छा ना भाग पाता था ना फिजिकल्स में अच्छा था. सिमिलरली पढ़ाई में भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा मेरे को, बिकॉज इतना फिजिकल एक्टिविटीज होती है वहाँ पे, रगड़ा जिसे हम बोलते हैं बहुत ज्यादा रहता है, तो पढ़ाई में इतना फोकस नहीं हो पा रहा था, तो मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं नेशनल डिफेंस अकेडमी में बहुत मेहनत करने के बावजूद एक थर्ड डिवीजन में पास आउट हुआ एनडीए से. तो मेरे को काफी झटका लगा, बिकॉज मैं दिल्ली के टॉप स्कूल से था जब मैं पास आउट हुआ, तो अच्छी परसेंटेज थी, तो मेरे को लगा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया. वो चीज किसी तरह मेरे दिमाग में घर कर गई कि भाई मैं काम का नहीं हूं या निकम्मा हूं टाइप, वो चीज है. और ऐसी फिर मेरे को बाकी चीजों में भी रिजल्ट्स नहीं आते रहे. तो होता क्या है आजकल की दुनिया में या टाइम में क्या रहता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज जो आती है कि मैंने मेहनत की और रिजल्ट आना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल, जबकि लाइफ में ऐसा नहीं होता. टीवी में देखने में, यूट्यूब में देखने में आपको बड़ा अच्छा लगता है कि इस आदमी ने ये अचीव कर लिया, बट आपने उसके पीछे का बैकग्राउंड या स्टोरी नहीं देखा, तो वो बहुत चैलेंजिंग रहता है. वो चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो आप सामने देख रहे हैं वो सिर्फ सामने वाली चीज नहीं है, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको समझना जरूरी है. और ये चीज समझना जरूरी है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप एक फिक्स गोल लेके चलेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा. वही चीज मेरा हुआ 2010 में. मैंने सोचा कि लाइफ में बहुत आराम वाली जिंदगी हो गई, कंफर्ट जोन वाला जो है बहुत कुछ हो गया, अब इसको यहां से कुछ चेंज होना चाहिए. उस समय मेरे को मौका मिला एमटेक आईआईटी में अपीयर होने का, बट बैक ऑफ द माइंड ये चल ही रहा था कि मेरा थर्ड डिवीजन है ग्रेजुएशन में, तो मैं एमटेक और वो भी आईआईटी से कैसे सोचूंगा. बट वो वाला जो इमोशंस थे उनको मैंने दबा दिया. मैंने कहा ठीक है, जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगा तब तक कुछ नहीं होने वाला. बहुत मेहनत किया मैंने, क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत सारा प्रेशर था कि अपने आप, मेरे को अपने पे भरोसा नहीं था, तो फिर मैंने अपने आप को कन्विंस किया, बहुत मेहनत किया, और मेहनत करने से नॉलेज मिलने से वो क्रैक हो पाया. दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, जब मेरे को पता चला कि हाँ मेहनत अगर आप करेंगे बिल्कुल तो आपको उसका तो रिजल्ट भी मिलेगा. रोमिल साहब ने दो चीज बोला अभी, देखो तुम जो चाहते हो ना तुम्हारे अल्फाज में है, ना एहसास में है, ना आदास में है, तुम जो चाहते हो वो तुम्हारे विश्वास में. ये बहुत जरूरी है. अपने जो काबिलियत है, हर व्यक्ति अनोखा है, हर व्यक्ति के अंदर हुनर है, काबिलियत है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि हमारा जो हुनर और काबिलियत पे भरोसा रख के, विश्वास रख के. अक्सर क्या होता है जब हम कुछ काम करने जाते हैं पूरे दिमाग और मन के साथ, हमें सक्सेस मिलता नहीं है, मतलब
वी फेल, हम फेल हो जाते हैं, नाकामयाब हो जाते हैं, हम लोग हार मान लेते हैं, हमको लगता है कि अब आगे नहीं जा पाएगा, बस ख़त्म हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ भी ये हाल है रोमिल साहब, कि वो मेहनत करते हैं जी जान लगा के, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते, और रिजल्ट मिलते नहीं तो उन लोग मतलब शेल में चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। आप तो इतने मतलब कुछ किया है, आई एम श्योर आपके सामने भी सब फेलियर आया होगा, फिर आपने तो आप क्या टिप्स देना चाहती हो हमारे बच्चों को, क्योंकि वो लोग यंग हैं, उन आप उन, आप यू हैव टू गिव देम डायरेक्शन, आप थोड़ा मार्गदर्शक अगर बन सके स्टूडेंट्स का तो बहुत फायदा होगा। तो जैसे सचिन ने बताया कि इट्स ऑब्वियस कि अगर आप मेहनत करते हैं आपको फल नहीं मिलता तो आपको बुरा लगता है, ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं रेजिलियंस बहुत जरूरी है कि आप फेल होते रहे, बट जैसे गीता में कहा गया है कि अपना कर्म करते रहिए, अगर आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो फेलियर्स मिलते रहेंगे, उसके बाद आप सक्सेस भी मिलेगा। लेकिन आप एक फेल हुए और आपने छोड़ दिया तो आप ये सोचिए कि सक्सेस तो वैसे ही नहीं मिलेगा जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे। तो आप मेहनत कीजिए, रिजल्ट मिला बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला और भी अच्छी बात है, आप फिर से मेहनत कीजिए, जितना आप फेल होते रहेंगे जितना मेहनत करते रहेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। और इसके लिए आजकल की डेट में बहुत जरूरी है कि शॉर्ट टर्म ना सोचे कि मैंने एक इंस्टाग्राम में पोस्ट डाला 10 लाइक आ गए काम हो गया, वो नहीं सोचना आपने, आपने ये सोचना है कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरे को लॉन्ग टर्म में फायदा हो, ठीक है, वही चीज अगर आप लेके चलेंगे तो पक्का मिलेगा। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आप कुछ करना चाहें और पूरी मेहनत से और शिद्दत से करें और ना मिले, बिल्कुल ठीक है। तो आपको मेहनत करने पर ध्यान देना है, 100% एक डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है, मेरे लिए कहना आसान है बिकॉज फौज में डंडा मार मार के डिसिप्लिन सिखाई देते हैं, बट सिविल में भी आपको अपनी लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन लाना है। एक चीज होती है कि जॉब करना चाहते हैं और दूसरी चीज होती है क्या सही है आपके लिए। करेक्ट, मैं करना चाहता हूँ कि मैं पूरे दिन भर इंस्टाग्राम देखूं, फेसबुक देखूं, बट वो क्या सही है मेरे लिए, ये आपको डिसाइड करना है। करेक्ट, आपको पता है कि आपके लिए सही है पढ़ाई करना, मेहनत करना, आपकी एज, क्योंकि टाइम वापस नहीं आता। बिल्कुल 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 सही बात। 2 साल बाद अगर आप सोचेंगे कि यार उस समय मेरे को ये करना था, ये मेरे पास अपॉर्चुनिटीज थी, एनडीए के लिए एज थी मेरी, बट वो एज तो हर समय रहेगी नहीं, नहीं रहेगी, ठीक है। तो जब आपके पास मौका है जी जान से मेहनत कीजिए एंड उसके बाद ऊपर वाले पे भरोसे कीजिए, पक्का रिजल्ट अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात बोल रहे हो आप रोमिल साहब, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज ये सब स्टूडेंट्स जो है छोटे शहरों से आते हैं और हिंदुस्तान में आपको मालूम है हिंदुस्तान को अगर आगे तरक्की करना है एज ए नेशन, भारत बिल्डिंग जो हम कहते हैं, अगर आगे तरक्की करना है और वर्ल्ड में अपना नाम को स्थापित करना है, तो हमारा जो नौजवान है जो छोटे शहरों से, उनका बहुत विशेष भूमिका रहेगा। तो ये जो आपने बताया कि निरंतर प्रयास करने है, हार नहीं मानने, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा और एक सवाल आपसे, आप तो दौड़ते भी बहुत है, ठीक है, और मैं आप जो है लद्दाख में इतनी ऊंचाई में भी दौड़ा है 18,000 फीट में, जहाँ पे लोग सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, उसके अलावा स्टेडियम में भी 24 घंटा आप दौड़े और ऐसा गोल 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 400 मीटर 185 किलोमीटर, तो ये दौड़ने का शौक कैसे आया आपके अंदर? जैसे मैंने पहले बताया, जब मैं एनडीए में था पढ़ाई में जीरो था, तो जब मैंने वो ओवरकम किया आईआईटी में जाके, तो मेरे दिल में भरोसा आया कि मेहनत करने से जब आप पढ़ाई में एक्सेल कर सकते हैं तो अगर रनिंग में भी करेंगे मेहनत तो आपको फिर रिजल्ट मिलेंगे। तो वहां से मेरा रनिंग स्टार्ट हुआ, आईआईटी खड़गपुर में उस समय था, थोड़ा थोड़ा रन से स्टार्ट किया, एंड मेरे केस में क्या था कि बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग था बिकॉज फौज में थे, ट्रेनिंग के टाइम पे काफी ज्यादा मेहनत किया, उस समय रिजल्ट नहीं आया, ठीक है कुछ नहीं फर्क पड़ा, बट वो चीज कंटिन्यू करते रहे, मेहनत जारी रही। उसकी वजह से क्या हुआ कि जब बार बार एक ही चीज करते रहेंगे तो हैबिट बन जाता है, हैबिट बन जाता है, आपको उसके बेनिफिट्स मिलने लगते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हेल्थ बेनिफिट्स रहते हैं उस, जब आप पहली बार भागना शुरू करते हैं कोई नहीं सोचता कि मैं मैराथन भागूंगा या मैं अल्ट्रा मैराथन भागूंगा, आपको ये रहता है कि फिटनेस अच्छी रहेगी, जो एंडोर्फिन्स होते हैं जो आपकी बॉडी में जनरेट होते हैं उसके आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज होता है, ठीक है, लेट नाइट पार्टीज नहीं होंगी, सुबह टाइम पे उठ रहे हैं, डिसिप्लिन आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इतने सारे जब बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, तो आपको लगता है कि हाँ भाई जब इतना सारा मिल रहा है तो ये अच्छी चीज ही है, यू नो, हेल्थ के आपके बेनिफिट्स हैं, डाइट पे आप फोकस कर रहे हैं, उसके बाद फैमिली टाइम आपको मिल रहा है, पार्टीज वगैरह अवॉइड हो गई, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, घर का एटमॉस्फेयर अच्छा हो रहा है, तो जब इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो आपको लगता है कि ये चीज करते रहनी चाहिए, और जिस चीज से हमें खुशी मिल रही है वही चीज करना है जिंदगी, आई थिंक मतलब वही करना चाहते हैं। बिल्कुल, मेरे को और 2 सवाल आपसे पूछना था माउंट एवरेस्ट के बारे में।
एक तो मैंने सुना है कि काफ़ी महंगा है, मतलब हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा अंदर वो है, मतलब इच्छा है कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहता हूँ। मेहनत तो है ही, इसके अलावा मैं एक्सपेंसिव भी है। तो वो पहला सवाल है मेरा। दूसरा, आप इतने लंबे समय के लिए थे माउंट एवरेस्ट पे, तो आपने खाना वाना कैसे खाया, मतलब आप खाना क्या खाते थे, उसको साथ में लेके गए थे कि वहाँ से कुछ मिल सकता था ऐसा? राइट, सो पहला तो हाँ, माउंटेनियरिंग इज एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट, क्योंकि आजकल गियर्स वगैरह जो हैं बिल्कुल, अगर आप एवरेस्ट जा रहे हैं तो आपको बेस्ट गियर चाहिए जो वर्ल्ड में अवेलेबल है, बिकॉज कोई नहीं चाहता कि आप वहाँ पे जाएं ठंड की वजह से फिंगर्स कट जाए या हाथ कट जाए, तो इसलिए इक्विपमेंट जो है काफ़ी एक्सपेंसिव आता है। उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव ये रहता है कि जो फीस रहती है परमिट की, नेपाल गवर्नमेंट एक फीस डिसाइड करती है, आप वो परमिट लेंगे तभी आप क्लाइम कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी जाना चाहे वो कर सकता है। तो परमिट की फीस तकरीबन 8 से 10 लाख के आसपास आती है, तो परमिट का फीस इतना हो जाता है। उसके बाद जब आप क्लाइम कर रहे हैं तो वहाँ पर टेंट लगाना, शेरपा जो आपको हेल्प कर रहे हैं वो, पानी जनरेट करना बिकॉज वहाँ पानी तो अवेलेबल नहीं होता, बर्फ को पिघलाना, उसके लिए ब्यूटेन कैनिस्टर जो उसको गर्म कर रहे हैं, यूटेंसिल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जब लगाते हैं तो फिर उसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। बट बढ़ जाती है तो काफ़ी लोग हैं जो मतलब जनरेट करते हैं फंड्स, जो कि गवर्नमेंट कई लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, कई बिग कॉरपोरेट्स हैं वो करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि आप किस चीज़ में कहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं फंड। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सही लोगों को अप्रोच करें एंड वहाँ से फिर फंडिंग लें इस चीज़ के लिए। ठीक है, मेरे को और एक सवाल पूछना था आपसे, तो दैट फूड का, आपने फूड खाने का, हाँ खाने का क्या रहता है, जब तक आप बेस कैंप पे रहते हैं आपके पास रेडी टू ईट वाले खाना जो रहता है वो अवेलेबल रहता है, बेस कैंप पे मिल जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ना चाहते हैं, तो मुझे याद है मैं अपने एक सीनियर से पूछ रहा था जब मैं तैयारी कर रहा था, बिकॉज प्लानिंग एंड प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने उनसे पूछा कि किस टाइप का खाना खाना चाहिए, तो उनका एक सिंपल एक लाइन का आंसर था, जो आपको खाना अच्छा लगे वो खाना चाहिए, चाहे कोई नमकीन खा रहा है, चाहे चॉकलेट खा रहा है, जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी चीजें लगती हैं वो ले जानी चाहिए, बिकॉज वहां पे आपको कुछ मन नहीं करता खाना खाने का, वहां पे चूजी आप हो नहीं सकते। तो मैं जैसे कप नूडल्स वगैरह ले गए थे जो इजी टू प्रिपेयर एंड कैरी होते हैं, वो चीजें, ड्राई फ्रूट्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, तो जो आपको सबसे अच्छा लगे वो ले जाइए, किस्मत इसलिए तो खाएंगे वरना जबरदस्ती आपको ठूसना तो पड़ता है। देखो रमेश साहब, आपका तो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजिशन था उस समय, क्योंकि आप एक टीम को लीड कर रहा था, मेरे कैसे 15 मेंबर का टीम थे, 14 मेंबर समिट पे थे, 6 हमारे बेस कैंप पे, 20 थे, तो 20 मेंबर का टीम थे। तो उसमें ऐसा समय आया क्या कि उसमें से कुछ जो मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि अब मुश्किल हो रहा है, उनका जो मनोबल को कैसे आपने कायम रखा, उसके अंदर जो आत्मविश्वास को बरकरार कैसे रखा, बिकॉज अकेला जाने में तो मैं समझ सकता हूँ, फिर तो आप अकेला है यहाँ पे, तो आपको ये जिम्मेदारी है कि 15 भी को लेके चढ़ना है, फिर वापस उनको उठा, मतलब यू हैव टू गेट देम बैक डाउन आल्सो। बिल्कुल, तो क्या क्या किया आपने उसके लिए? तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि एवरेस्ट चढ़ना जितना मुश्किल है, एवरेस्ट का टीम लीड करना उससे डबल मुश्किल है। 100%, क्योंकि अगर मैं एवरेस्ट में गया, जैसे आप बता रहे हैं, तो अगर मेरी उंगली कटती है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन अगर मेरे टीम मेंबर के साथ होता है और वो भी फौजी टीम जहाँ पे एवरीथिंग इज ऑन द कमांडर ओवर देयर या टीम लीडर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनरशिप वाली चीज बहुत ज्यादा होती है, एंड फौज की ट्रेनिंग यही है ओनरशिप कि आप जब ट्रेनिंग कर रहे हैं तो अगर आप कहीं एम्बुश में जा रहे हैं या कहीं वॉर में जा रहे हैं तो आपके जो लोग हैं सब आप पे भरोसा करके चलते हैं कि हमारा टीम लीडर साथ में है तो यही मैनेज करेगा कोई भी प्रॉब्लम आती है सिचुएशन को। तो इसलिए हमने जब ट्रेनिंग किया, बहुत ही ज्यादा टफ ट्रेनिंग था एवरेस्ट के लिए, जो हमने ट्रेनिंग किया पूरे टाइम सियाचिन में, हमने बेसिक कोर्स किया, एडवांस कोर्स किया, रेस्क्यू कोर्स किया, मेडिकल कोर्स किया, बैक टू बैक कोर्सेज, एक्सपेडिशन, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग था, टू द एक्सटेंट कि जब हम एवरेस्ट स्टार्ट किए तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, एंड मेरे पास 110 जनों की टीम थी, उसमें से मेरे को 20 लोग सिलेक्ट करते थे, तो एकदम बेस्ट जो होते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल आई हैड, टू द एक्सटेंट कि सबसे वीक लिंक जो था मैं ही था टीम में, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी टीम थी, 2 लड़कियां थी मेरी टीम में, एंड बहुत ही जबरदस्त, 2 लड़कियां भी थी, 2 लड़कियां थी, 21-22 साल की, सुपर्ब। तो इनफैक्ट जब हमें बाद में प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए, मोदी जी ने एक लड़की से पूछा कि बेटा तुम्हें कैसा लगा, एंड उन्होंने जो जवाब दिया, अब मोदी जी से आके मिल चुके, मिले, वेरी गुड, हमें बुलाया था क्योंकि इतना अच्छा हमारा परफॉर्मेंस, वेरी गुड। तो मोदी जी ने पूछा उस लड़की से कि बेटा तुम्हें कैसा लगा, एंड जो उसने जवाब दिया, इतना प्राउड फील किया मैंने
कितनी सर हम ऊपर जाके नीचे वापस आ गए, हमें पता ही नहीं चला कब एवरेस्ट है। वाओ वाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिस शोज द काइंड ऑफ ट्रेनिंग दीस पीपल हैड, द कॉन्फिडेंस जो था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 21 साल के बच्चे को अगर आप बोले प्राइम मिनिस्टर की जवाब देना है तो इतना ज्यादा, वो भी प्राइम मिनिस्टर को इस प्रकार का मतलब कॉन्फिडेंट जवाब, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत खुश हुए जब सुना बाकी लोगों ने। एंड वही था कि सिचुएशन आई बट इतना अच्छा प्रिपरेशन था कि कोई भी इवेंचुअलिटी को हमने हैंडल कर पाए थे। देखो आपके सामने, देखो बच्चों, यूथ एंड एवरीबॉडी एल्स, आपके सामने एक जीता जागता मिसाल है। मतलब रोमिल साहब भी छोटे शहर, वाराणसी रिलेटिवली छोटा शहर है कंपेयर टू दिल्ली और बॉम्बे और बेंगलुरु, छोटा शहर के आके आज इतना कुछ कर रहे हैं, इतना सारे कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर है, लीडरशिप कोच है, उनका खुद का कंपनी है बूट्स एंड क्रैम्पॉन्स, जो एक्सपेडिशन टूर ऑर्गेनाइज करते हैं। मतलब फर्स्ट टाइमर्स जिन्होंने कभी भी ट्रैक नहीं किया उनको भी लेके जाते हैं, जैसे किलिमंजारो लेके जाते हैं, माउंट पटालसू लेके जाते हैं, तो ये सब जगह भी लेके जाते हैं। तो छोटे शहर में होने का, या आज जो आपका जो आर्थिक स्थिति है अगर वो कमज़ोर है तो घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल कोशिश करते रहना है। अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। और ये इसका सबसे बढ़िया उदाहरण जो है मेरे पास बैठा है रोमिल साहब। रोमिल साहब देखो, हमारे स्टूडेंट्स को आप क्या टिप्स देना चाहती हो आगे जाके 5 साल 6 साल में, वो भी अपना पेरेंट्स को यू नो प्राउड फील कर सके, अपना गांव को प्राउड फील कर सके और कुछ नाम कमा सके, आपको क्या टिप्स देना चाहती हो? अच्छा, तो मैं सब बच्चों को ये बताना चाहूंगा जो एसएसबी में जा रहे हैं या फॉर दैट मैटर लाइफ के लिए भी, कि जो भी आपने काम कर रहे हैं ऑनेस्टी के साथ करना है। मतलब मैं हर समय कहता हूँ कि आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, ठीक है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन दुनिया जो है एक साइड है, आपने अपने आप को जस्टिफाई करना है। बिल्कुल बिल्कुल, यू नो कि मैं अपने आप को कन्विंस हूँ कि मैं जितना मेहनत कर सकता था उतनी मैंने मेहनत की। जैसे मैं एवरेस्ट का एग्जाम्पल देता हूँ, जब मैं एवरेस्ट के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे तो काफ़ी बार ऐसे टाइम्स आए कि टीम ने बोला कि सर हमें ब्रेक चाहिए, रेस्ट लेना है। तो कभी मैं ऐसा नहीं, कभी मेरे को ये नहीं आया कि ठीक है रेस्ट लो, मेरे को ये था कि कल एवरेस्ट में गए वहाँ पे अगर कुछ हो जाता है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी एज ए टीम लीडर। तो मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि मेरी आराम देने के चक्कर में किसी का उंगली कट जाए, कुछ ऐसा हो जाए, मेरे को किसी की बॉडी घर में ले जानी पड़े, तो मैं किसी के घर वालों को क्या जवाब दूंगा कि मेरी गलती की वजह से आपके बेटे ने ये गलती कर दी या लाइफ चले गई या गड़बड़ हो गई। तो इसलिए जब आपने मेहनत करनी है तो आपने कुछ नहीं सोचना, दिन क्या है रात क्या है, 100% देना है और किसी को दिखाने के लिए नहीं करना, बिल्कुल अपने आप को कन्विंस करने के लिए करना है। बिल्कुल, कि हाँ मैं जितनी मेहनत कर सकता था मैंने उतनी की, उसका परिणाम कुछ भी हो दैट इज आई एम नॉट बॉदर्ड, मेरे को उससे मतलब नहीं है कि सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन जितना मैं कर सकता था, जितना मैं एवरेस्ट के लिए ट्रेनिंग कर सकता था उतना मैंने किया, एवरेस्ट समिट हो ना हो वो मेरे हाथ में। अपने बहुत मतलब इतना ईजी लगता है अभी हमको, सबको लगता है कि हम भी चढ़ सकते हैं माउंट एवरेस्ट को, भी आपने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बहुत आसानी से बोले, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है, जो ब्लड स्वेट एंड टीयर्स जो कहते हैं हम, जो इतना आपने मतलब सैक्रिफाइस किया होगा, वो तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू इवन थिंक अबाउट इट, जस्ट माइंड बॉगलिंग, मतलब बहुत बहुत बढ़िया। तो रोमिल साहब आपने माउंट एवरेस्ट चढ़ा है, आपने आयरन मैन कर चुका है, अपने ला अल्ट्रा कंप्लीट किया, बॉस्टन जो कि मेका ऑफ अमेचर रनर्स कहा जाता है, बिकॉज बॉस्टन में क्वालिफाई करना मतलब ड्रीम है, मेरे लिए तो एक सपना है वो, तो वो भी आप फिनिश कर चुके हैं। तो अब क्या करेंगे आप रोमिल साहब, ये बताइए आप क्या बचा है, आप क्या करना चाहोगे? अब अभी भी यंग हो, स्कूल के मतलब एक स्टूडेंट जैसे दिखते हैं मेरे को, तो आप क्या करना चाहोगे? तो सचिन भाई जैसे आपने बताया बहुत अच्छी चीज बोली कि सपना, ड्रीम्स में बहुत ज्यादा ताकत होती है। जब तक आप सपना नहीं देखेंगे तब तक आप नहीं सोचेंगे कि मेरे को ये चीज करनी है। तो जो भी इंडिविजुअल कुछ भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, पहले वो ड्रीम करना बहुत जरूरी है, वो सपना लेना बहुत जरूरी है कि मेरे को ये करना है। जब आपने वो सपना ले लिया तब उसकी तरफ फिर काम करना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो उस चीज के पीछे आपने फिर, अगर आपको पता है कि आपने यहाँ पहुंचना है तो आपने उसकी प्लानिंग करनी है कि अगर मेरे को यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो मेरे को ये चीजें करनी पड़ेगी। तो एक एक स्टेप आपने लेना है और वो प्लान करनी है अपनी जर्नी वहां तक पहुंचने की, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कि आप ग्राउंड फ्लोर पे और सीधा 10th फ्लोर में चढ़ जाएंगे, तो आपको फर्स्ट फ्लोर चढ़ना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को
छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। लाइक कंप्यूटर्स में एक एल्गोरिथम होता है डिवाइड एंड कॉन्कर, कि बड़ी प्रॉब्लम को आपने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसको फिर आपने हैंडल किया और उसमें तक पहुंच गए। तो ये करना बहुत जरूरी है। मेरे लाइफ में भी भगवान का शुक्र है, मेरे को बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस मिलते रहे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती रही। किस्मत मेरी बहुत अच्छी थी कि मैं उन पे मैं उतर पाया सही डायरेक्शन में। तो अगला मेरा यही काम है कि जो मैंने सीखा है जितना मैं शेयर कर सकूं लोगों के साथ, जितना मेरे को फौज ने ज्ञान दिया है सिखाया है, जितना मैं कर सकूंगा उतना मेरा सेटिस्फेक्शन रहेगा। साथ ही साथ कंपनी में लोगों को और इनकरेज करना आउटडोर्स के लिए, बिकॉज हम देखते हैं आजकल सब मोबाइल टैबलेट स्क्रीन में लगे रहते हैं, ठीक है, तो उस चीज से बाहर निकलना, बिकॉज आउटडोर्स एंड ट्रैवल से जो आप सीखते हैं वो किसी किताब में आपको नहीं मिल सकता। तो रोमिल साहब बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तहे दिल से, क्योंकि आपने हम मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे आशा है कि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। सो सफलता टॉक्स में हमारा ये निरंतर प्रयास रहेगा कि रोमिल बर्तवाल जैसे शख्सियत, मतलब उमदा से उमदा शख्सियत आपके पास लेके आऊँ और उनसे उनसे प्रेरित होके उनसे सीख के हम भी अपने ज़िंदगी में ऐसा कुछ कर सके। इसके लिए धन्यवाद और धन्यवाद, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू शेरिन सर, आपने इस काबिल समझा यहाँ बुलाने के लिए, एंड आई एम श्योर ये प्लेटफॉर्म जो है आगे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू।